वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार अपराधों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से नए नए कानून बनाकर अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं कुछ अपराध ऐसे हैं जिन पर पुलिस पर्दा डालकर अपराध करने वालों को बढ़ावा दे रही है। वहीं प्रदेश सरकार महिलाओं व किशोरियों की सुरक्षा की बात कर रही है तो वहीं वहशी दरिंदों के आगे नौनिहाल छात्र भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम वृद्धि आवासीय विद्यालय भोगांव में देखने को मिला, जहां पर 27 अगस्त 2024 की रात्रि को 10 बजे के समय कक्षा 8 में पढ़ने वाले एक 14 वर्षीय छात्र को जबरिया विद्यालय की छत पर ले जाकर कक्षा 12 में पढ़ने वाले 3 छात्रों ने उसके साथ सामूहिक कुकर्म कर एक अनोखी घटना को अंजाम दे डाला। सूचना पीड़ित छात्र ने छात्रा के चुंगल से छूटने के बाद मां को जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद रात्रि में ही मां विद्यालय पहुंची। सुबह प्रिंसिपल आने के बाद पूरी घटना से अवगत कराया। विद्यालय में घटी इस घटना से विद्यालय प्रशासन पर सुरक्षा की दृष्टि के चलते कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि किस तरह आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे छात्र अपनी घटना हुई आपके भतीजे के साथ, उसको लेकर आप लोग SP पास गए थे। क्या कहा उन्होंने, क्या कार्रवाई की है? हमने कहा सर हमारे बच्चे के साथ ये दुष्कर्म किया गया है, इसकी कार्रवाई की जाए। अभी तक हमारे बच्चे की कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना मेडिकल कराया गया। तो वो बोले कि ऐसे हादसा होते रहते हैं, तुम ये तमाशा लेके घूम रही हो, ये तमाशा ठीक रहता है? बच्चे को जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बच्चा जेल चला जाएगा, तुम्हारा बच्चा भी गलत है। क्या नाम, कोई कार्रवाई नहीं होगी, बच्चों को जेल नहीं भेजा जाएगा, नाबालिग बच्चे हैं, कर दिए वो, ये तमाशा नहीं बनाया जाता है इन बातों का। और उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। फिर क्या बोले? वो चले गए अपने कहीं जा रहे कि हमें अभी अर्जेंट काम है, हम जा रहे हैं। हमने बहुत रिक्वेस्ट की, हमने कि सर 2 मिनट हमारी बात सुन लो, उसके बाद चले जाना। कि अरे ऐसे होते रहते हैं, तुम तमाशा बना के घूम रही हो, घर जाओ चुपचाप। अब आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं जो मतलब हमारे बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है उसका न्याय किया जाए, हमारे बच्चे को न्याय दिलाया जाए और उचित से उचित कार्रवाई की जाए। काफी रहने वाली इसमें दुराना। अच्छा आपके लड़के का क्या नाम? प्रतीक। अच्छा ये किस विद्यालय में पढ़ता है? राज्य क्रिया पद्धति विद्यालय। जी ये कहाँ पे है? भोगांव के पास। अच्छा आपके पास पे एक फोन आया था आपके लड़के का? हाँ। तो किस तरह का फोन आया था, क्या कह रहा था? वो कह रहा था मम्मी मुझे यहाँ से बुला के ले जाओ, मैं रहेंगे नहीं। तो मैं गया था वहाँ पर, फिर उन्होंने मैंने वहाँ कहा क्या कहा? मैंने उन लोगों से कहा छुट्टी दे दो, उन्होंने छुट्टी नहीं दी। आपको किसका फोन आया था? मेरे लड़के का। क्या बोला लड़के ने? लड़के ने ये बोला माँ मुझे यहाँ से ले जाओ, और रो रहा था बहुत तेज। तो ये नहीं पूछा तुमने क्यों रो रहे? मैंने पूछा था, उसने क्या घटना बताई? उसने यही बताई थी कि मेरे साथ दुष्कर्म हुए हैं। तो मैंने लड़कों ने किया उसके साथ? दो लड़कों ने किया और एक ने किया नहीं था। थाने गए थे आप लोग? थाने गए थे। थाने में क्या कार्रवाई हुई? थाने में कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कितनी देर रहे थाने? थाने में बहुत देर, 2-4, कम से कम 5 बजे पहुँच गयी और रात के 12 बजे तक आ रही हूँ। तो क्या बोला ऐसो ने? ऐसो ने कुछ नहीं बोला, जा बोला कि माँ गलत होगी तो बच्चे भी गलत होंगे। कि माँ, हाँ कि माँ गलत है, माँ का असर पड़ता है बच्चे पर, माँ गलत है, तेरा पति बाहर रहता है तो धंधा करती है, इस तरह की। हाँ इस तरह की मुझे कहा था उसने, दरोगा ने। हाँ दरोगा ने कहा था। और वो पूरा स्टाफ बैठा था तो स्टाफ वालों से कह रहे थे कि देखो ये 5 देखो जो 9 लड़कियां थी वहाँ पर, कि ये जो 9 लड़कियां हैं ये 9 देवियां हैं, और जो प्रिंसिपल था कि ये गणेश जी हैं, ये 9 देवियां कहती हैं, जब तक गणेश जी नहीं जाएंगे तब तक 9 देवियां नहीं जाएंगी, ये बोल रहा था। कि तेरा, हाँ तेरा लड़का भी गलत है, तू भी गलत है, ये बोल रहा था मुझसे। अच्छा, तो कि तेरा लड़का जेल चला जाएगा। अच्छा, ये भी धमकी दे रहा? हाँ। दोस्तों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? हाँ, कार्रवाई कुछ नहीं मेरी हुई। अब आप क्या चाहते हो? मैं कार्रवाई चाहती हूँ। तेरे हाथ मजबूत है, तेरे हाथ मजबूत है।